हंसने लगा, दादा को भी मैं सिखाता, तो लगा मैं गरीब आदमी तू मुझे क्या दिखाएगा, लेकिन अंदर मुझे बहुत प्यार करता था। अभी मैं हॉस्पिटल में था चार दिन, he and his wife came to see me, I tears in my eyes, that's a lot, लेकिन क्या करूंगा, तो मेरी बेटी भी पूछती रहती, कि तू डेबी वाह, या what is going to be giant girl, वो सारे लोग उनकी फ्रेंड को एसएमएस करेंगे, पूरे इस बारे में क्या किया, पूरा प्रथम, देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस बारे आपको यकीन है कि इसके बाद छोड़ेंगे। हमेशा हर साल अलग अलग सीजन आते हैं और हर साल उसका सबसे पहला चीज जो है डांस, वो नया होता है हर बार, एक लेवल हम जो क्रिएट करते हैं एक सीजन में, एक बेंचमार्क बनाते हैं और फिर उसके बाद हम अगले सीजन पे जाते हैं और वो बेंचमार्क वहाँ से शुरू करते हैं और उसको एक नई ऊंचाई पे ले जाते हैं। तो इस बार भी हम वही करेंगे, हम जो रिकॉर्ड हमने खुद बनाया है उसको हम ब्रेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे और नए डांस फॉर्म्स और नए डांस स्टाइल्स, इंटरनेशनली इंडियन में भी बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जो अभी तक लोग नहीं जानते, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। डांस इन डांस जब सीजन टू में आया था तो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल्टुगेदर, इट्स अ डिफरेंट फैमिली ऑल्टुगेदर, और वो एटमॉस्फेयर में फोकस रहना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमारा फोकस ये था कि डांस को कैसे अच्छी तरीके से दिखा पाए एज अ डांसर एज अ परफॉर्मर। कुछ साल बीत गए सेम शो बट एक अलग डेसिग्नेशन है, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट मजा तभी भी आएगा, काम वही है कैसे डांस को अच्छी तरीके से दिखाए। सो उम्मीद यही रहेगी और चाहत वही रहेगी कि हम तीनों डांस को अच्छी तरीके से दिखाए। पसंद आया है एंड दिस वॉज द फर्स्ट वन एवर इज डांस इंडिया डांस, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक शो है जो लिटरली गांव-गांव, छोटे शहर बड़े शहर हर जगह जाके, मतलब हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है।